नए साल की शुरुआत होते ही शहर की ट्रैफिक पुलिस भी नए रूप में नजर आएगी। जिला ट्रैफिक पुलिस अब बॉडी वॉर्न कैमरा से लैस हो गई है। ट्रैफिक पुलिस के जवान बॉडी वॉर्न कैमरा के साथ ड्यूटी करना शुरू कर देंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यालय से 4 बॉडी वॉर्न कैमरा दिया गया है। इसकी मदद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जुर्माना से नहीं बच पाएंगे। बॉडी पर कैमरा होने से ड्यूटी पर तैनात जवान द्वारा चालान काटने के दौरान होने वाले लेन देन पर ब्रेक लगेगा। आपको बता दें कि स्मार्ट पुलिसिंग के तहत जिले को 4 बॉडी वॉर्न कैमरे और 4 स्पीड रडार गन दिया गया है। कैमरे के जरिए वाहन चालकों पर नजर रखी जाने लगेगी। बॉडी वॉर्न कैमरे में ट्रैफिक पुलिस कर्मी और वाहन चालक की हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग हो सकेगी। ये कैमरे मिलने से यातायात पुलिस कर्मियों को सहायता मिलेगी। वहीं यातायात अधिकारियों को अपने जवानों पर पैनी नजर रखने में काफी सहूलियत होगी। किसी ने बदसलूकी की तो पूरी फुटेज कैमरे में कैद हो जाएगी। इसके आधार पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि फिलहाल कैमरे में 64 GB स्टोरेज दिया गया है। बाद में इसे कंट्रोल रूम अर्थात इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ दिया जाए। तब कार्यालय में बैठे बैठे अधिकारी सभी चौक चौराहों और वहां तैनात जवानों पर नजर रख सकेंगे। इस संबंध में ट्रैफिक DSP रविंद्रनाथ ने बताया कि ट्रैफिक जवान अब बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस हो गए हैं। बताया जाए ट्रैफिक पुलिस यहाँ कैमरा लगाकर ड्यूटी कर रही है कब? हाँ, मुख्यालय द्वारा 4 बॉडी वॉर्न कैमरा मिला है, वो विभिन्न पोस्टों पर लगा दिया गया। मुख्यालय द्वारा 4 बॉडी वॉर्न कैमरा मिला है, वो टावर पर, इमली चट्टी, बस स्टैंड, ऐसे विभिन्न जगहों पर अफसर को तैनात कर दिया गया। उसके साथ वो गतिविधि उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी।